बॉलीवुड में अपने इंटेंस एक्टिंग से ऑडियंस के दिलों में राज करने वाले एक्टर अशरफ उल हक का मंगलवार दोपहर देहांत हो गया। अशरफ पिछले कुछ दिनों से बोन मैरो के कैंसर से बीमार थे। आपको बता दें कि अशरफ बीते कुछ दिनों से मुंबई के अंधेरी इलाके के सुनीता हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। मंगलवार सुबह हालत खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद मंगलवार दोपहर को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अशरफ ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से साल 1997 में एक्टिंग का कोर्स शुरू किया था। अशरफ ने पान सिंह तोमर, दीवार, दिल क्या करे, कलकत्ता मेल, दिल्ली बेली और हालिया रिलीज फिल्म फुकरे में काम किया था। अशरफ ने फिल्म द लास्ट बहरूपिया से दर्शकों के दिलों में राज किया था। अपने बेहतरीन एक्टिंग से हमेशा ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। बॉलीवुड ने एक बड़े कलाकार को खो दिया। फुकरे में उन्होंने करोड़पति भिखारी का रोल निभाया था। अशरफ अपने पीछे अपनी पत्नी और एक 9 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। द लास्ट बहरूपिया के लिए अशरफ को नेशनल अवार्ड भी मिला था। अशरफ ने 3 से अधिक फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल और एड फिल्मों में भी काम किया है।